हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Xiaomi के 5 ऐसे फीचर के बारे में जिन सब फीचर को अमूमन लोगों को पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग वही सब फीचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो फीचर है वो है आप लोगों का जो डायल पैड होता है, ठीक है। ये वाला जो डायल पैड होता है उसमें आप लोग अमूमन अगर टिप करते हैं किसी भी नंबर तो इस टाइप का जो टोन आप लोगों को सुनाई देता है। तो आप लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, पियानो में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करें, तो ये देखिए आप लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पे जो तीन डॉट दिख रहे हैं, तीन डॉट में आप लोगों को क्लिक करना होता है। उसके बाद आप लोगों को सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स में चले जाइए। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा होगा डायल पैड टच टोन। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे ये वाला जो है इसमें डिफॉल्ट में आप लोगों को जस्ट क्लिक करना होता है। तो नीचे ये देखिए ऑप्शन आता है पियानो कीज, तो आप लोग इस पियानो कीज में जैसे ही टच करते हैं वो वाला आप लोगों का सिलेक्ट हो चुका है। अभी ये देखिए मैं अभी टच कर रहा हूं वहां पे जाके, ये देखिए क्या आएगा। दोस्तों ये भी बहुत ही मजेदार फीचर है, आप लोग इसको कीजिए, अच्छा लगेगा। तो गाइज हमारे जो सेकंड फीचर है वो है स्क्रीन शॉट को लेकर। तो जैसे हम लोगों को पता होता है कि हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है, या फिर हम लोग फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये वॉल्यूम अप और पावर बटन से भी हम लोग ले सकते हैं स्क्रीन शॉट। लेकिन आप लोग लॉन्ग स्क्रीन शॉट कैसे ले मैं यही बताऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेके दिखाता हूँ। तो आप लोगों को करना क्या होता है, ये देखिए मैं एक जस्ट खोल लिया हूँ लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेने के लिए। ये देखिए आप लोग करना क्या होता है, ये जो तीन उंगलियां एक साथ फिराना होता है यहाँ पे, ये देखिए तीन एक साथ मैं फिरा दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जस्ट टच करना होता है। टच करते ही आप लोगों को शायद नीचे शो कर रहा होगा स्क्रॉल, स्क्रॉल पे आप लोग जैसे ही टच करेंगे ये देखिए यहाँ पे कन्वर्ट होने लगा, नीचे भी जा रहा है ये स्क्रीन शॉट, आप लोगों को नीचे भी मिल जाएगा। और जैसे आप लोग इसको डन करते हैं बस ये पर डन हो गया, प्रोसेसिंग हो चुका है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ये देखिए आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को एक लॉन्ग स्क्रीन शॉट यहाँ पे मिल गया है। तो ये भी बहुत ही मजेदार फीचर है, आप लोग इसका भी मजा उठा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो थर्ड यहाँ पे फीचर है वो है फोटो एडिटिंग के बारे में। जिन सब लोग फोटो एडिटिंग ज्यादा करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर दिया गया है। तो आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे जो देखिए मैं जस्ट गैलरी में जाता हूँ, ठीक है, गैलरी में जाके ये देखिए मैं एक फोटो सिलेक्ट करता हूँ। तो इस फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा ये देखिए एक फोन का बॉक्स है और साइड में कुछ रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है क्या, ऑब्जेक्ट आ जाता है साइड में, आप फोटो लेते वक्त साइड में कुछ आ जाता है, उसको आप अपने फोटो में रखना नहीं चाहते, तो उसको भी आप लोग बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे, ये देखिए आप लोगों को जाना होता है दोस्तों यहाँ पे एडिट पे, ठीक है। एडिट पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इरेज का जो ऑप्शन रहता है, इरेज के बाद आप जिस ऑब्जेक्ट को रखना नहीं चाहते उस पर आप लोग इस टाइप का एक पेंट कर दीजिए, ठीक है। पेंट करने के बाद यहाँ पे आप लोग जस्ट ये देखिए यहाँ पे चला गया है, इस पे राइट क्लिक कीजिए और उसको आप लोग बहुत ही आसानी से सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी जस्ट सेविंग हो रहा है। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे जो था वो वाला रिमूव हो चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप लोग थर्ड पार्टी ऐप का जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वाला फीचर है ये है इनकमिंग कॉल का जो बैकग्राउंड है वो आप लोग कैसे चेंज करें। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एक कॉल आ रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा नॉर्मल बैकग्राउंड रहता है सेम ऐसा ही है। तो इस नॉर्मल बैकग्राउंड को आप लोग चेंज कैसे करें, तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो जस्ट आप लोगों को करना क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग कॉल लॉग पे चले जाइएगा। कॉल लॉग पे जाने के बाद आप लोगों को जो तीन डॉट वाला जो ऑप्शन शो कर रहा है, तीन डॉट में आप लोग क्लिक कीजिए। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद ही आप लोग सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग को जो एडवांस सेटिंग मिलता है उसमें आप लोग जाएंगे। एडवांस सेटिंग के बाद आप लोग यहाँ पे जो ये देखिए इनकमिंग कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिए। वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा होगा नीचे ये देखिए लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। तो आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग इसको क्लिक करते हैं तो आप लोगों का वो जो सेट हो चुका है। मैं जस्ट आप लोगों को एक जस्ट डेमो देके दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। एक मैं कॉल करता हूँ अभी यहाँ पे, तो आप लोग देखेंगे कि मेरा अभी जो का है बैकग्राउंड चेंज हो चुका होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों ये देखिए मेरा बैकग्राउंड जो चेंज हो चुका है, मतलब आप अपना जो लॉक स्क्रीन वाला जितना भी वॉलपेपर रखेंगे सेम उसी टाइप का इसमें शो करेगा। तो ये भी बहुत ही मजेदार है। गाइस यहाँ पे जो हमारा है सबसे लास्ट वाला फीचर है पांच नंबर, वो है ये फीचर अमूमन सबको पता होता है लेकिन जिन लोगों का पता नहीं होता है इसीलिए मैं ये बस बता रहा हूँ। तो आप लोग को स्प्लिट स्क्रीन शायद पता होगा, अगर नहीं पता होता है कि तो स्प्लिट स्क्रीन है, आप लोग एक फोन के अंदर अपने फोन के अंदर दो
एप्स एक साथ यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं ये देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों का ये वाला जो ऑप्शन मिलता है ये पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को देखिए ऊपर में दिख रहा होगा स्प्रेड स्क्रीन, इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं इसी में, चलिए मैं यूट्यूब का अभी चलाना चाहता हूँ, चलिए मैं यूट्यूब को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए यूट्यूब यहाँ पे सेट हो चुका है, उसके बाद में सेटिंग्स को चलाना चाहता हूँ। तो ये देखिए जब सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से मेरे फोन में दो एप्स अभी चल रहा है, ये ऊपर में जो यूट्यूब चल रहा है और नीचे ये देखिए दोस्तों सेटिंग्स है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा बताइए, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और इसी टाइप का वीडियो पाने के लिए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।